हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आज संडे राइड है हमारी, जिसमें हम आपको लैपटॉप ट्रेल लेके जा रहे हैं, जहाँ पे कैफे हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा। इसमें आपको वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, जैसे ऑफ रोडिंग का कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बाइकर्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको फैमिली के साथ जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं आप। तो इसमें ना आपको उत्तराखंड जैसा व्यू मिलेगा आपको इस जगह पर। ये दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर है गुड़गांव में जगह, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, मेन बात तो ये साहब, ठीक है। वहाँ पे सनराइज़ बहुत अच्छा लगता है देखने में, और वहाँ पे कैफ़े हैं, तो आप मैगी वैगी आराम से इजीली खा सकते हैं। और कैफ़े वहाँ पे चाय इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वहाँ पे बाइकर ही बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप सब डायरेक्ट आपको मिलते हैं अपनी बाइक पर। तो गाइस, हम फाइनली बाहर आ चुके हैं अपने घर से, अपनी बाइक के पास। तो अपने धन्नो को स्टार्ट किया जाए। धनु को अपनी गोल्ड स्टार्ट कर दिया, तो हम गियर अप कर लेते हैं। धनु अपनी एक बार में स्टार्ट होती है, कभी भी जब मर्जी करो एक बार में स्टार्ट होती है। धनु भाई कितने दिन भी खड़ी क्यों ना हो, उसको आप 10 दिन भी खड़ी कर दो, एक बार में स्टार्ट करो तो एक बार में स्टार्ट होती है। तो जैसे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं मीटिंग पॉइंट पर यार, तो हम लेट हैं थोड़ा सा। चलो चला जाए। अब फाइनली हम निकल चुके हैं घर से अपने। तो अभी जाके मिलते हैं उनसे मीटिंग पॉइंट पे, देखते हैं कितनी देर में मिल पहुँचते हैं। जैसे कि अभी 5:51 हो चुके हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी लेट हैं, हमें 5:30 बजे मिलना था। तो अभी एक मेरा जो भाई है रितिन, वो अभी वेट कर रहा है मेरा खानपुर पे, ठीक है। तो पहले उसके बाद जाएंगे हम, उसके बाद फिर जाएंगे मीटिंग पॉइंट पे, जहाँ पे हमें एक बंदा और मिलेगा। तो वहाँ से फिर हम आगे अपनी जो राइड की स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल देखो लेट है, तो अभी हम चल रहे हैं, जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश है हमारी यार। 4:34 सुबह सुबह मिल जाती है। हम निकलेंगे डिपर देते हुए आगे, क्यों जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमारा भाई आ चुका होगा। बाकी ये देखो रास्ता कितना ख़राब है यहाँ पे यार, ओवरटेक करने में भी डर लगता है थोड़ा सा यार। क्या ही ओवरटेक करे बताओ, यहाँ पे कितना रास्ता ख़राब हो रहा है। ओवरटेक तो हम करेंगे, ऐसी बात तो है नहीं। देखो हमने ओवरटेक कर लिया इजीली। ओवरटेक करने के लिए यार बस पासिंग दो साइड से उसको, और आराम से ओवरटेक करके निकल जाओ। अदरवाइज़ अगर पासिंग देते और पीछे जाते हो फिर ओवरटेक नहीं कर पाओगे। तो जैसा लग रहा है अपना भाई आगे वेट कर रहा है ऑलरेडी। हाँ, तो अपना भाई आके ऑलरेडी वेट ही कर रहा है। देखो ये रहा अपना भाई, ऑलरेडी वेट कर रहा है। और भाई ऑलरेडी वेट कर रहा हो, कितनी देर से वेट कर रहा हो आप यहाँ पे? बस 5-10 मिनट हुए होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। नहीं नहीं इतना तो नहीं होगा, 40 मिनट तो मैंने फ़ोन किया था। चलो कोई नहीं कोई नहीं। और बाकी जतिन कहाँ मिलेगा? वही अपना इंडियन वाला। चलो ठीक है। आज सेटअप क्यों नहीं है अपना? आज यार सिर्फ बाइक चलाने का मन है, ब्लॉग का मन नहीं। अच्छा, कैमरा लगाओ तो कैमरा ही संभाल कर रहा। नहीं बाकी यार अपने में तो ऐसा कोई इशू नहीं आता है कैमरे का, कैमरे का कोई इशू आता नहीं है खास। मेरा फोन बहुत भारी है, लटक जाता है। चल कोई नहीं भाई, ब्लॉग नहीं कर रहा यार, वो कह रहा है सिर्फ मैं राइड करूँगा, राइड के मूड में हूँ। हाँ चल ठीक है, तू राइड ही कर ले सिर्फ, कोई बात नहीं। आज नितिन अपना सिर्फ राइड के मूड में है तो राइड करेगा। और अब आज उसको नंबर प्लेट भी मिलने वाले हैं, तो यार वो आते समय हमारे साथ आएगा नहीं, वो नंबर प्लेट लगवा के आएगा यार। और अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना, हल्की हल्की ठंड लग रही है, तो लगभग लगता है ठंड आई गई है यार। सुबह और शाम की ठंड तो आई गई है लगभग, इस टाइम बताओ ठंड लग रही है यार, भाई चलाने में ठंड फील हो रही है। तो फाइनली गाइस हम मीटिंग पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। तो हमारे जितने भाई ऑलरेडी वेट कर रहा था यार। चलो यहाँ फिर से निकलते हैं लोकेशन के लिए, अपनी जो हमारी लोकेशन है। तो रास्ता तो पता ही होगा तुम्हें लोकेशन का अपनी, हाँ जतिन भाई? लेफ्ट ट्रेल से। ओके चलो बढ़िया। हाँ मैं देखा था, मैंने भी गूगल किया था, जैसे यार अलग ही जगह है वो। चलो आज देख लेते हैं, आसपास के एरिया में जगह है। चलो देख ही आते हैं। अरे यार इसका इंडिकेटर सेट कर रहा हूँ, वही कभी चल रहा है कभी बंद हो रहा है, वही देख रहा हूँ। चलो गाइस फाइनली हम राइड के लिए निकल चुके हैं यहाँ से अपने। जैसे हमारी राइड की जो लोकेशन है लियोपेड ट्रेल है,
जैसा बंदे कह रहे हैं बहुत अच्छी जगह है, तो चलते हैं देखते हैं कितनी अच्छी जगह है यार, मिलते हैं एक बार अच्छी जगह से भी। बाकी सामने हमारे DLF है। मॉर्निंग में यार राइड करने में मज़ा इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा मज़ा आता है। एक तो ट्रैफिक नहीं होता है और ऊपर से यार गाड़ियाँ रोड पे कम होती हैं, तो राइड करने में मज़ा अलग आता है। बाकी यार देखो कितने अभी रोड्स इतने अच्छे ऑसम खाली हैं यार, वही अगर हम शाम को इवन दोपहर को भी आते हैं ना तो रोड पे हमें रस बहुत मिलता है। अभी देखो रोड कितने ऑसम है यार, काश ऐसे रोड हमेशा रहते हैं, पर ऐसे रोड यार हमेशा पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज ये दिल्ली है मेरी जान और NCR, तो दिल्ली का ट्रैफिक तो अलग लेवल का यार, अलग लेवल का, वहाँ का तो ट्रैफिक ही अलग लेवल का है। ये अपना आर्मी कैंप, ये जवान जा रहे हैं इस ट्रक में यार, क्या ही यार आर्मी जवान जो होते हैं ना अलग लेवल के, ऑसम लेवल के होते हैं यार, दिल से सल्यूट है इनको यार। भाई आर्मी जवान अपने घर से बाहर रहते हैं यार, हमारे लिए वो बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, कितना टाइम हो जाता अपने घर नहीं जाते वो यार, इसलिए कहते हैं इज्जत क्या करो आर्मी जवानों की। आर्मी मैन बॉर्डर पे तभी अपने घर में एकदम मज़े से रहते हो, सुकून से रहते हो, वो बेचारे तो अपने घर से दूर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, वो हम सब के लिए ही वो बॉर्डर पे है ना, इसलिए यार उनकी इज्जत किया था। ये जगह ऐसा की है, इसकी आवाज़ ही इतनी प्यारी है ना, मज़ा आ रहा था। वो देखो इंडियन बाइक है यार, इंडियन बाइक देख रहे हो क्या राइडर्स निकले हैं आज, ये देखो आगे राइडर्स। अपना भी यही है क्या प्रो, चलो हार्ले डेविडसन, ओ भाई क्या बात है, अरे भाई निंजा हो सकती है, अरे ये देखो BMW राइडर्स हैं यार आज, लास्ट टाइम हमारे उतने राइडर्स नहीं मिलते, इस टाइम तो यार राइडर्स ही राइडर्स, आज तो संडे है तो संडे पे इतने राइडर्स हैं यार, संडे बहुत राइडर्स हैं। वो देखो क्या ये बाइक जा रही है, क्रूज बाइक है पूरी, फुल कंफर्ट वाली बाइक। तो यहाँ से हमें राइट लेना है और लगता है सारे राइडर वहीं जा रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं, चलो देखते हैं राइडर से मीटअप होगा फिर, अगर वहाँ पहुँचे तो मिलेगा कोई। चलो लगा ही जाए, ये ब्रेकर भगवान से पहली ब्रेकर यार, लेपर ट्रेल नाम है जगह का, देख रहे हो नाम है कितना अच्छा है, गुड़गांव में। और आपको मैं लोकेशन भी दे दूंगा यार वीडियो में, अगर आपको आना है तो वहाँ पे आ सकते हो, बाकी मैं पहुँच के आपको दिखाऊंगा लोकेशन कैसी है। ज़्यादातर से वहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर से बाइकर्स ही आते हैं, देख रहे हो पहाड़ों का व्यू यार, देखो यार ये देख रहे हो उत्तराखंड में ऐसा व्यू मिलता हमें, पर वाकई यार गुड़गांव में ऐसा व्यू मिल रहा है कितनी अच्छी बात है हमारे लिए, देख रहे हो ये व्यू, हमें ये व्यू देखने जाना पड़ता है पहाड़ों में, और देखो पहाड़ों से अच्छा व्यू तो यार सेम फीलिंग इधर आ रही है, ऐसे रोड्स वहाँ के होते हैं तो सेम रोड्स हमें यहीं मिल रहे हैं। छोटा सा हमने ब्रेक लिया था यार, वो ब्रेक ख़त्म, अब चलते हैं फिर से। तो कितनी लीन करनी पड़ रही बाइक यार, बाइक नील तो मैं भी कर रहा हूँ, पर बाकी यार
दिखेगा नहीं क्योंकि मैं खुद के कैमरे हूँ, मैं अगर दूसरा मैं पीछे फ्रेंड ब्लॉग कर रहा होता उसमें उसके कैमरे में दिखता, अपने कैमरे में कभी नहीं दिखता यार। हम कितने नील कर रहे हैं, क्या भीड़ है यार, देख रहे हो भाई पहुँच गया फाइनल अपनी जगह पे हम, ऐसा मेरे को लग रहा है। पर देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा स्टॉल है छोटा सा, ये सारे राइडर्स यहाँ रुके पड़े ऑलरेडी। चले भाई क्या करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो, देखो राइडर यहाँ पे तो आ गया। कैफेस है यहाँ पे, कट देख रहे हो क्या ही प्यारे कट है, इतने प्यारे कट है ना यार कि मजा ही अलग लेवल का है यहाँ पे। देखो फाइनली हम आ गए हैं, पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पे, और इधर कैफे कैफे हैं। अब कौन से कैफे में जाना है ये देखते हैं हम। कैफे अब ब्रो कैफे, यहाँ चलना है चले फिर देखे। ओ भाई कैसे रास्ते में बाइक चला रहे हैं हम, क्या ओ मोर देखो जैसा मोर हो रहा यार। देख रहे हो व्यू, व्यू कितना प्यारा है, ऑलरेडी यहाँ पे राइडर्स हैं। कहाँ चलना है, जंगल कैफे कहाँ चलना है, कौन से वाले में, जंगल चलना है कुछ में चलना है, तुम जैसा डिसाइड कर लो। लैबराडोर तो ये हुई है, अब बताओ किस में चलना है फिर, किस में चले, चलो फिर लैबराडोर भी चलते हैं। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी अपनी अपाची डोमिनार खड़ी हैं। तो फाइनली यार हम पहुँच चुके हैं, चल आ जा, फाइनली हम पहुँच चुके हैं गाइस। तो ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है ब्रो, ऊपर भी चलते हैं जब आए हैं तो, है ना, क्योंकि व्यू तो ऊपर से ही आएगा यार जो भी आएगा। सनराइज हो रहा पर फिलहाल तो, पर दिख नहीं रहा। तो भाई देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, यहाँ पे भी हमने स्टंट्स किए थे कुछ अपने बाइक्स के, तो वो स्टंट्स के वीडियोस भी मैं इसमें डाल दूँगा, वो भी आप दिख जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे राइडर्स आते हैं, स्टंट्स करते हैं राइडर्स, ये बाइक निकाले हैं, दो बाइक तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अब इस बाइक की बारी है। तो भाई लोग हमने ये राइड अब ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ से घर निकलने का टाइम हो रहा है। ये राइड हमारी बहुत अच्छी रही,
जैसे हमारे जतिन भाई हैं, ये बताएंगे कैसे रेन की राइड हमारे साथ ही है। भाई काफ़ी अच्छी राइड रही भाई, मैं तो पहले आ चुका हूँ, मैं भाई को लेके आया था राइड पे, तो भाई ने बोला काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे और व्यू भी, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मज़ा इसलिए आता है कि काफ़ी राइडर आते हैं यहाँ पे और बहुत मज़ा आता है इस लोकेशन पे। और आप देख भी सकते हो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे का व्यू ना, आप ऑफ रोडिंग वगैरह की फील भी पूरी ले सकते हो यहाँ पे आगे। तो विजिट जरूर करना भाई, और भाई के चैनल को लाइक शेयर जरूर करना प्लीज़, नया चैनल है भाई का और हिट भी हिट। और ये हमारा नितिन भाई है, राइड विद रिचि चैनल का नाम है। इस बंदे ने बहुत यहाँ पे एंजॉय किए, पर पंचर हो गया बाइक की, पर पंचर हो चुकी है, कील घुसी पड़ी है कील का भाई, भाई की भाई भाई का जज्बा देखो बाइक चलाने का भाई में फिर भी बहुत जज्बा है कि बाइक लेके आ गया उसमें भी कह रहे कील घुसी पड़ी, कोई बात नहीं घर जाकर लगाएगा पंचर। पर भाई का एग्जॉस्ट का नोट आवाज सुनो भाई, अपने एक बार एग्जॉस्ट सुनाइयो, एग्जॉस्ट सुनिए एक बार अपनी, ये भाई भाई ने फुल सिस्टम अपना चेंज करवाया, जो सिस्टम जो नॉर्मल आते उन्होंने निकलवा के दूसरे लगवाए इन्होंने, टोटल 20,000 के आसपास पड़े इनको, है ना 20,000 के आसपास पड़े ना, टोटल 20,000 के आसपास पड़े। बहुत बढ़िया साउंड है यार, बहुत जीटी के लिए बहुत बेस्ट है ये। चलो गाइस फिर दोबारा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी तक के लिए बाय।